उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराव इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में भगदड़ मच गई। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर पड़े हैं, रोते बिलखते परिजन हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सरकार और शासन अलर्ट मोड पर है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराव इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में 122 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सभी भोले बाबा का प्रवचन सुनने सत्संग में आए थे। हाथरस की इस घटना से कहीं ना कहीं दिल को दहला देने वाली तस्वीर तो दिखाई दी है, साथ ही साथ हर किसी को इसने झकझोर दिया है। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर पड़े हैं, रोते बिलखते परिजन हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगाने में तो जुट गई है, शवों की पहचान भी की जा रही है, मगर हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोअर्स को देखने तक नहीं आ रहा है। वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। अब यह सवाल उठ रहा है कि सत्संग किसका था। यह सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्वहरि के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और उसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम है। इस समिति के 6 आयोजकों के नाम भी हैं, लेकिन उन सबके मोबाइल बंद है और स्थानीय पुलिस का संकर्ष भी इन लोगों से नहीं हो पाया है। इस मामले की FIR रिपोर्ट में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज है। घटना के विवरण के तौर पर नारायण साकार के प्रवचन के कार्यक्रम का जिक्र है। सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नामक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़कर ये रास्ता अपनाया और देखते ही देखते लाखों भक्त बना लिए। आइए जानते हैं कि भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव कौन है। नारायण साकार हरि एटा जिले के अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव का निवासी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वो स्थानीय अभिसूचना इकाई में तैनात रहा और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन की वजह से सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुका था। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहा और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गया, फिर उसकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS से ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गाँव नगला बहादुरपुर पहुंचा, जहाँ कुछ दिन रुकने के बाद उसने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे। उनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़ा है सूरजपाल, दूसरे नंबर पर भगवान दास जिसकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुका है। इस बात की पुष्टि हुई है कि अपने गाँव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गाँव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। अपने सत्संगों में नारायण साकार ने यह दावा किया है कि कई दफा किया है कि उन्होंने ये नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहां तक खींचकर उन्हें कौन लेकर आया। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा नहीं लेता, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवा सेवेदार बनकर करते नजर आते हैं। बहुत संभव है कि ये सब अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझकर करते हों। वो हमेशा सफेद कपड़ों में दिखते हैं। नारायण साकार पजामा कुर्ता पैंट शर्ट और सूट तक में नजर आता है। हालांकि इंटरनेट पर वो बहुत लोकप्रिय नहीं है, सोशल मीडिया पर उसके भक्तों की बहुत मौजूदगी नहीं दिखाई देती। उसका फेसबुक पेज पर ज्यादा फॉलोअर्स लाइक्स नहीं होते, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके भक्तों की संख्या लाखों में है। उसके हर सत्संग के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ नजर आती है। ऐसे आयोजनों में सैकड़ों स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं सेवा की कमान संभालती हैं।
पानी भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसकी कोशिश भी भक्तों की समिति करती है। यूपी पुलिस सेवा से क्षेत्राधिकारी के रूप में सेवा मुक्त हो चुके रामनाथ सिंह यादव बताते हैं कि भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में 1 माह तक सत्संग समागम का आयोजन हुआ था। इसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। आयोजन के आसपास वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम की अनुमति न देने की भी गुहार लगाई। सत्संग को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के सदस्य आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं, कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इटावा में मानव मंगल मिलन सेवा समिति के बैनर तले सत्संग का आयोजन हुआ था। समिति अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताते हैं, ये जब कभी भी बाबा का कोई सत्संग कार्यक्रम होता है तो उनको इस बात की सूचना दे दी जाती है, जिसके आधार पर कमेटी के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था होती है। इस घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई है। घटना कहीं जानकारी मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार को लापरवाह बताया। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो कई बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए तो उन्होंने 2 बाबाओं का भी जिक्र किया। वहीं संसद में राज्यसभा में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाथरस का मुद्दा उठाया और सभापति से ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए कानून बनाने की मांग की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सरकार और शासन अलर्ट मोड पर है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद। ये बात प्रशासन को वहाँ पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी? रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के स्तर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बात है? सबको कंडोलेंसेस देता हूं। बहुत दुख का समय है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, सेंसिटिव और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है, हो रहे हैं बहुत से जगह। ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में हैं, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। थैंक यू सर।